नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत निरसा प्रखंड परिसर में भाजपा की निरसा इकाई द्वारा राज्य के हेमंत सोरेन के खिलाफ में जन आक्रोश रैली तथा धरना का आयोजन शुक्रवार की सुबह किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद भाजपा सांसद पीएन सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुए। विधानसभा का विशेष सत्र चलने के कारण निरसा भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सके। निरसा प्रखंड के सैकड़ों की संख्या में पुरुष तथा महिला कार्यकर्ताओं ने इस आक्रोश रैली में हिस्सा लिया। रैली निरसा बाजार से पैदल होते हुए निरसा सिनेमा मोड़ से चलकर निरसा प्रखंड परिसर पहुंची और सभा में तब्दील हो गई। विशेष रूप से पहुंचे सांसद पीएन सिंह ने कहा कि वर्तमान में झारखंड की हेमंत सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश रैली है। पूरे झारखंड में अपराधी बेलगाम है और साथ ही साथ यहां के खनिज पत्थर बालू सहित अन्य बहुमूल्य रत्नों की लूट खुलेआम सरकार द्वारा की जा रही है। आज झारखंड में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन बलात्कार की बड़ी बड़ी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। अपराधी बेखौफ होकर लूट और हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी के विरोध में जन आक्रोश रैली है। आलम यह है कि हेमंत सरकार भी ईडी की जांच के दायरे में आ चुकी है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे हों, उसे यह समझ जाना चाहिए कि वर्तमान में राज्य में किस तरह की सरकार चल रही है। आगे भी भाजपा द्वारा इस तरह की रैली राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में होती रहेगी। यहाँ हाईवा और ट्रक से कोयला की चोरी हर एक भट्टे में पहुंच रहा है। यह दूसरी बात है कि कुछ साइकिल गरीब साइकिल वाले से घर पकड़ सरकार के संरक्षण में कोयला और बालू की चोरी है। तो कई मामले पत्थर की चोरी उधर जहाँ पत्थर है वहाँ पर चोरी हो रही है। पूरा राज्य का राजस्व समाप्त के विकास के कार्यों का सोचे अगर कर्मचारी की नियुक्ति हो अफसर की नियुक्ति हो तो उनको तनख्वाह दे सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड को इस बदहाली में छोड़ रही है ताकि इसके खिलाफ आंदोलन और इस खिलाफ यह सरकार जानी चाहिए, जल्दी जानी चाहिए। अब उधर ईडी अपना अस्पताल में लगे अब उससे भी कतरा रहे हैं।